हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज का वीडियो किस लिए इम्पोर्टेंट? मेरा जो अनुभव है, मुझे ये समझ में आया कि यार सब कुछ आता, कॉन्सेप्ट कवर है, टाइम कम रह जाता है एग्जाम में, पेपर पूरा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता। उसी में से एक टॉपिक मैंने उठाया कि यार कैलकुलेटर का कैसे यूज करें स्पीड से। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हमारे SFM या FM में प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आता है, हर चैप्टर में मिलेगा। तो भाई प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो क्यों ना यार कोई ट्रिक मिल जाए कि जल्दी जल्दी प्रेजेंट वैल्यू। हालांकि प्रेजेंट वैल्यू निकालना आप जानते हो, NPV निकालना जानते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पर कोई ट्रिक से हो जाए तो बिल्कुल मजा आ जाए। वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं NPV निकालना आता है। मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको स्पीड से लिखना ना भी पड़े और हम NPV निकाले, ऐसा कुछ समझाने जा रहा हूं, बिना टाइम खराब करे एग्जाम्पल समझा रहा हूं। सुनोगे? एक एग्जाम्पल लिया, सिंपल सा एग्जाम्पल ऐसा है कि प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जाएगा, ठीक है? तो भाई फ्यूचर में कितना आएगा? 3 साल का प्रोजेक्ट है, पहले साल 60,000 आएगा, दूसरे साल 40,000 आएगा और तीसरे साल 50,000 आएगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 10%। और हमें क्या निकालना? NPV। दो तरीके से NPV सिखाऊंगा। पहला, जैसा नॉर्मली सभी बच्चे करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूं, सभी बच्चे। दूसरा, ऐसी कोई ट्रिक कि बिल्कुल स्पीड से काम हो जाए। दो था। तो पहले हम नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे कि NPV कैसे निकाला जाता, ठीक है? बस यही आपको समझना। चलो तो सर ठीक है, पहले हम नॉर्मल मेथड से करते हैं। यस, तो मैं आपसे बोल रहा हूं मेथड नंबर 1, जैसा सभी बच्चे करते हैं NPV मेथड नंबर 1, जैसा आप करते थे। तो आप क्या करते थे? आप सर, हम ना यहां लिखते थे ईयर, ठीक है? ईयर लिखते थे। और सर इसके बाद क्या? सर उसके बाद लिखते थे हम कैश फ्लोस, उसके बाद सर हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखते थे जी, और सर उसके बाद ना हम प्रेजेंट वैल्यू लिखते थे। बिल्कुल। कितने ईयर्स है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ओके, कितना कितना पैसा आ रहा है? सर फर्स्ट ईयर में आ रहा है 60,000, सेकेंड ईयर में कितना आ रहा है? 40,000, और थर्ड ईयर में कितना आ रहा है? 50,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट का है? 10% का। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ये बताइए। भाई अगर ये, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, बचपन में किया करते थे कैसे? 10% है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू किया, तो ये आ गया 0.9091। फिर इक्वल टू किया तो 0.8264, और फिर इक्वल टू किया तो 0.7513, ठीक है? 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ये तो आता है भाई, इसमें कुछ समझाने वाली बात। और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते थे 60,000 इंटू 0.9091, तो ये आ गया आपका 5,456। 40,000 इंटू 0.8264, 33,056, एंड 50,000 इंटू 0.7513, तो ये आ गया बेटे 37,565। और फिर आप इसको ऐड कर लेते थे, ये आ गया आपका 125,167। और माइनस क्या करते थे हम? कैश आउटफ्लोस। प्रोजेक्ट में कितना पैसा लग रहा है? यहां देखो 1 लाख रुपए, तो माइनस कितना कर देते थे हम लोग? 1 लाख रुपए। तो यहां आता था हमारा NPV, और NPV कितना आ गया हमारा? 25,167। ये कौन सी मेथड है? ये है नॉर्मल मेथड जो आप किया करते थे। अब लास्ट तक वीडियो देखना, आपको विश्वास नहीं होगा कि बिना लिखे मैं NPV निकाल लूंगा, ठीक है? बस आप ध्यान से देखना, अगर आपको आता भी होगा तो भी समझना कि उससे भी ज्यादा शॉर्टकट हो सकता है, ठीक है? सर हम तैयार हैं। तो
अब मैं आपको किसी और तरीके से समझाऊंगा। ठीक है सर, हम लोग अब तैयार है पूरी तरह से। अब मैं करवा रहा हूं मेथड नंबर 2, शॉर्टकट। मेथड नंबर 2, इससे कैसे निकालते ये समझना बेटे। इससे एनपीवी ऐसे निकलेगा, ठीक से समझना, पहले पहले सुन लेना, उसके बाद बताओ। पहले साल के में कितना पैसा आ रहा है सर? 60,000 डिवाइड करो, कितना परसेंट रेट है डिस्काउंट? 1.10 पावर करोगे 1 प्लस, फिर कितना है सर? 40,000। ओके, डिवाइडेड बाय 1.10 पावर क्या हो जाएगा? 2। फिर कितना है सर? उसके बाद है 50,000 डिवाइडेड होगा 1.10 पावर 3 और माइनस कितना करेंगे जी? 1 लाख। सर सर ये तो ज्यादा टेक्निकल लग रहा है हमको बेटे, बस मैं यही समझाने जा रहा हूं कि देखने में टेक्निकल है, कैलकुलेशन में जी, और वही कैलकुलेटर चलाने की कोशिश करूंगा। मैं पहले बता दूं कि मैं कैलकुलेटर में क्या करूंगा। सुनोगे मैं क्या करने वाला हूं कैलकुलेटर में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से समझना। मैं कैलकुलेटर में क्या काम करने वाला हूं, मैं कैलकुलेटर में सबसे पहले क्या लिखूंगा? 60,000 कैलकुलेटर, हाँ सर। उसके बाद आप करना डिवाइडेड बाय 1.10, ओके, फिर करना इक्वल टू और फिर करना एम प्लस, फिर 40,000 याद रखना। अब डिवाइड नहीं करना है, अब क्या करना है? दो बार इक्वल टू और फिर क्या करना है? एम प्लस, फिर सर 50,000। अब कुछ डिवाइड वगैरह नहीं करना, अब की बार 3 बार इक्वल टू करना और फिर क्या करना? एम प्लस, फिर क्या करोगे आप? एम आर सी और फिर माइनस कितना कर दोगे? 1 लाख। ओके सर, करके देखिए क्या? हाँ चलो करके देखते, वो ज्यादा अच्छा है। ओके सर तैयार हो? कैलकुलेटर उठा लो। 60,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू एम प्लस, 40,000 दो बार इक्वल टू एम प्लस, 50,000 1, 2, 3 एम प्लस एम आर सी माइनस 1 लाख। आंसर कितना आया? आंसर आया 25169, 25169 आंसर आ गया आपका। अब आप कहोगे कि सर पहले वाले में तो आया था ये 25167 और दूसरे वाले में जो आ रहा है वो आ रहा है ये, अंतर तो है 2 रुपए का अंतर बेटे, ठीक है चल जाएगा 2 रुपए का अंतर। ये वैसे एक्यूरेट आंसर है और ये थोड़ा सा राउंड ऑफ करके आया। मेरी बात समझना, क्या एक बात बताओ सोच के, सर आपने तो लिखा था, आपने कहा बिना लिखे, बेटे बिना लिखे एक बात मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था, अगर मैं ये क्वेश्चन को देखूं, मैं नहीं लिखना चाहता, अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखता हूं तो क्या देखकर बनाया जा सकता है? यस, 60,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू एम प्लस, 40,000 दो बार इक्वल टू एम प्लस, 50,000 3 बार इक्वल टू एम प्लस, एम आर सी माइनस 1 लाख। तो अगर बेटे बात बड़ी सिंपल सी है, क्या ऐसे भी हो सकता है? यस, समझ, बस आपको बात ध्यान रखना है, दिस इज कैलकुलेट, आपको कैलकुलेटर ट्रिक यूज करना है। ओके, तो सर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना कि आपके पूरे एफएम में काम आने वाला है ये कैलकुलेटर ट्रिक। बाकी कैलकुलेटर ट्रिक मैं आपको हर वीडियो में आपको डेली 2 दिन में कैलकुलेटर आपको चलाना सिखाऊंगा। थैंक यू।